के खिलाफ समाज माध्यम पर आक्षेपार पोस्ट डालने वालों के खिलाफ रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कार्रवाई संदर्भ में जानकारी रामनगर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रकाश हाके ने दी। केंद्र के कृषि कायदे के विरोध में दिल्ली की सीमा पर शुरू किसानों के आंदोलन को ठेस पहुंचेगी। ऐसी आक्षेपार्ह पोस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप पर डालने से संतप्त हुए चंद्रपुर के सिख समुदाय ने ग्रुप एडमिन के साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ रामनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। संबंधितों के विरुद्ध गुनाह दाखिल करने की मांग की गई है। इस संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी रामनगर पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक प्रकाश हाके ने दी। जसवीर सिंह सैनी, इन्होंने जो रिपोर्ट दिया है और उसके पहले सब सिख चंद्रपुर इन्होंने एक निवेदन दिया है। निवेदन के ऊपर से हमने उसकी एक रिपोर्ट लिया है। रिपोर्ट में से हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया है 505(2) IPC, जिसमें एखादे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करना और उसमें आक्षेपार्ह स्टेटमेंट करना, पोस्ट करना, वायरल करना, इसके बारे में है। और उसमें दो आरोपी है, उसमें से एक आरोपी अरेस्ट किया है, एक आरोपी अब्सकॉन्ड है, उसका तपास चालू है। धारा तो प्रॉपर लगी है इसमें 505(2), इसमें सब आ जाता है और उसके साथ 34(34) IPC भी लगाया हुआ है। आज जो हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में पूरा सिख समाज एकत्र होके पहुँचा है, इसका मेन कारण जो पिछले 25 तारीख से दिल्ली में जो आंदोलन चालू है किसानों का, इसको गुमराह करने की कोशिश लोग कर रहे हैं और इस निमित्त विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सिख विरोधी, किसान विरोधी बातें लिख रहे हैं और उसमें सिखों को विभिन्न तरह की गालियां और अपशब्द वो कह रहे हैं। हमारी उसमें प्रमुख 4-5 लोग हैं जिन्होंने ये पोस्ट, एक उजाला ग्रुप है, एक VIP ग्रुप है, उसमें ये शेयर की है। उनके नाम है एक पप्पू मल्लन, एक प्रदीप भिम्बनवार और उसके बाद अरविंद सोनी और एक बंदा है, उनका नाम है बजरंग सिंह। ये 4-5 लोग हैं जो समाज में मतलब और बलराम डोडानी इस पूरे दोनों भी ग्रुप के एडमिन हैं, तो ये पूरे समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं जिससे कि सामाजिक तनाव पैदा होने की कोशिश है। तो हम आज पुलिस स्टेशन आने का हमारा मेन मकसद है कि भाई साहब को हमने निवेदन किया है कि भाई इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और आगे की, और हमारे चंद्रपुर शहर का जो वातावरण है वो शांतमय बना रहे और हम लोग जैसे आपस में मिलजुल के रहते हैं और हम लोग इसी प्रकार मिलजुल के रहें। और हमारी यही शासन से, प्रशासन से यही विनती है और पुलिस स्टेशन से विनती है कि भाई इन लोगों की त्वरित कार्रवाई की जाए और इनको सजा दी जाए।